हाय दोस्तों, कैसे हैं? ये लाइव मार्केट चल रहा है और आज है 11 तारीख। निफ्टी बैंक ने एक 27,500 के लेवल को तोड़ दिया है और अभी जो चल रहा है निफ्टी चल रहा है वो 27,468 चल रहा है। आप क्लोजिंग देखेंगे तो इसका एक सपोर्ट है। अब तो 500 तोड़ चुका है तो ये 27,100 की ओर तो जाएगा आपको, तो फिर भी देखिए ये एक सपोर्ट है इसका 27,374 का। और फिर जो कि मूविंग एवरेज आपका ये 27,378 90 इसका है, और फिर ये 21 दिन का नया मूविंग एवरेज है जो 27,122 पे है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रेसिस्टेंस बार बार दिखा रहा था ये कंटिन्यू 2 दिन से ऊपर नहीं जा रहा था, तो ये जो अपने हाई को बनाया इसने 27,754, उसके बाद से ये अपवर्ड नहीं ले रहा था, तो उसको 800 क्रॉस करने में बहुत तकलीफ हो रही थी 27,800। अब लगता है मुझे ये एक बार डाउन ट्रेंड लेगा, तो कोई भी अगर लॉन्ग पोजिशन खड़ा करके बैठे हैं तो एक बार शॉर्ट आप पोजिशन को स्ट्रिक्टली मोनिटर करें और देखें, अपना वॉच रखें। अदरवाइज क्या लगता है कि अभी एक बार 27,100 तक तो वो हो सकता है, 146 जो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज दिखा रहे हैं किस दिन का, वहाँ तक आपको टेस्ट कर सकता है। और यही पोजीशन जब मैं डेरिवेटिव में भी जाकर देख रहा हूँ, ये देखिए 27,481, ये 27,474 दिखा रहा है 17 जनवरी का जब मैं देख रहा हूँ, तो आप देखिए अभी यहाँ पे पुट साइड में 27,100 सब जगह एडिशन हो रहा है और लाइटिंग चालू हो गई है, मतलब एडिशन चालू हुआ हर लेवल पे, एडिशन चल रहा है और इधर शॉर्टिंग चालू हो गई है हर लेवल पे अच्छी खासी शॉर्टिंग। तो एट द मनी अगर मैं बात भी करूँ 27,400 पे, तो आप देखेंगे इधर पुट के एडिशन हो रहा है और पुट की वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स अब लोगों को यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, इन द सेंस अब शॉर्ट नहीं कर रहे, अब इस पर यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, बाइंग एडिशन में जा रहे हैं, इसके लिए इसकी प्राइस बढ़ रही है। अब उनको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा और ऊपर की ओर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं वो, तो इससे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार, और आज सबसे ज़्यादा जो लंबा पोजीशन बना है वो 27,300 पे, 27,200 पे, 27,100 पे, सभी पे पोजीशन बन रहा है। और 5 लाख का अच्छा खासा सपोर्ट है 27,000 पे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है 5 लाख का, और 27,500 पे जो था वो तो टूट चुका है, तो अब देखेंगे आज का ओपन इंटरेस्ट 2,71,000 का है, तो आप देखेंगे इधर यहाँ कॉल राइटिंग चालू हो गई है, मतलब शॉर्ट किया जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बाई किया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे 27,100 से नीचे भी नहीं जाएगा ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि 27,000 पे देखेंगे नेगेटिव प्राइस वैल्यू दिख रही है आपको, तो 27,000 से एक्सपेक्टेशन नीचे का नहीं दिख रहा अभी। जो भी लोग पोजिशन बना रहे हैं वो 27,500, 400, 300, 200 पे बना रहे हैं, तो अगर 27,500 का पुट देखें तो 195 रुपया पे मिल रहा है, और अगर 27,500 के पुट पोजीशन को चाहें तो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से था, पोजीशन बनाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। और एक बार सारे, अगर एक बार मैं सभी को दिखा दूं सारे के पोजीशन क्या बने, तो आप देखेंगे HDFC बैंक जो सिर्फ आपको 0.50 से आप दिखा रहा है, सारे बैंक सिर्फ एक एडवांस है और डिक्लाइन 11 है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, वॉल्यूम आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे 27 ओपन हुआ 27,602 का, हाई बना है 612 और उसके बाद लो पे बना रहा है, लोअर साइड पे जा रहा है, तो लगता है एक बार ये नीचे की ओर फर्स्ट टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो आप बैंक निफ्टी पे जो भी पोजीशन बनाए कॉशियसली बनाए, चूंकि ये एक बार तोड़ दिया था तो, और उसी का कारण हम निफ्टी भी देखेंगे तो निफ्टी पे भी प्रेशर पड़ेगा। आप देखेंगे अच्छा खासा हेम बुलिश टाइप का बन रहा है, और अगर किसी कारण से निफ्टी तोड़ता 800 का पोजीशन तो भी 750-775 आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। तो आज हो सकता है, अगर किसी कारण से आज मार्केट निगेटिव रहा किसी भी कारण से, तो मंडे भी मार्केट आपका निगेटिव होगा, ये आपको एक ध्यान में रखना है। अगर किसी कारण से कैंडल निगेटिव की ओर बना तो मंडे का भी मार्केट निगेटिव में है, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान के रखें कि क्लोजिंग टाइम में देख लें मार्केट रिकवरी कैसा दिखा रहा है। अगर मुझे कोई चांस लगता नहीं है रिकवरी का, वो थोड़ा मोड़ा रिकवरी आएगा तो आएगा, अदरवाइज ये मार्केट नीचे ही जाएगा। अभी थोड़ा 27,100 तक का एक बार लगता है ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में आप जो भी पोजीशन बनाए कॉशियसली बनाए, बाकी आप देखते रहे वॉच करते रहे मार्केट पोजीशन को। अभी जो इसका CMP चल रहा है 27,470 चल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।